दोस्तों आज भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी का तस्वीर दिखाई देता है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी का नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज सिक्स की तस्वीर थी और यह तस्वीर भी भारत के आरबीआई द्वारा छापी गई थी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का तस्वीर कब और क्यों छपना शुरू हुआ और भारतीय करेंसी पर छापने के लिए महात्मा गांधी का ही तस्वीर क्यों चुना गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों भारत देश की आजादी में गांधी जी ने हिंसा की रास्ता अपनाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो उस समय बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा और भारत के ताकत का एहसास कराया। अब बात चाहे चंपारण सत्याग्रह की हो या भारत छोड़ो आंदोलन की, इन दोनों ही आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, जिसमें महात्मा गांधी का एक अहम रोल माना जाता है। महात्मा गांधी के अहिंसावादी सोच को आज भी दुनिया भर के कई बड़े लीडर फॉलो करते हैं। महात्मा गांधी के ऐसे ही त्याग को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा आजादी के कुछ साल बाद महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1969 को सबसे पहले 100 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी गई, जिसमें गांधी जी का साधारण तस्वीर था। और इसके बाद साल 1987 में 500 रुपए के नोट पर पहली बार महात्मा गांधी का तस्वीर छापा गया, जिसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत की हर करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर छाप दिया गया। दोस्तों गांधी जी की जो तस्वीर भारत की हर करेंसी पर मौजूद है वह भारत के राष्ट्रपति हाउस में 1946 में खींची गई थी। उस समय तस्वीर खींचने वाले ने यह कल्पना नहीं की होगी कि इस तस्वीर को भारतीय करेंसी पर छापा जाएगा। इस तस्वीर की खासियत यह थी कि गांधी जी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी जो उनकी ज्यादातर तस्वीर में नहीं है। हालांकि यह तस्वीर किस फोटोग्राफर ने ली थी उसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।